subscribe my channel and press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निभा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट। तो आज हम बताने जा रहे हैं सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेस 3 को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट रह चुकी सपना चौधरी का रेस 3 के लिए उनका रिएक्शन आ चुका है। सपना चौधरी ने हाल ही में एक सेल्फ फोटो शूट में सलमान खान की फिल्म रेस 3 पर काफी ज्यादा चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि भाईजान का ट्रेलर कैसा लगा, तो सपना ने हंसते हंसते हुए कहा कि सच बताऊं तो मैंने ये ट्रेलर देखे ही नहीं, लेकिन अब मैं फिल्म के बारे में क्या कहूँ, जहाँ सलमान खान होंगे फिल्म तो अपने आप चले। सपना चौधरी ने कहा, वो तो खान साहब है, ना जाने कहाँ से उतर कर आए हैं, उनको रोकना मुमकिन ही नहीं। सपना चौधरी ने कहा कि मैं रेस 3 को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं इसका पहला शो किसी भी हालत में देखने वाली हूँ। ये खाली फ़ोटोशूट है और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पहला फ़ोटोशूट है, तो जब हो जाएगा तो तब मैं बता सकती हूँ। तो क्या नर्वस है आप फोटोशूट के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया पहला फोटोशूट है, अभी तक तो स्टेज पर ही देखा है लोगों ने आपको, लेकिन इस बार ग्लैमरस लुक में आप दिखाई देने वाली हैं, तो कितने नर्वस और एक्साइटेड हैं? मैं एक्साइटेड क्यों हूँ ना। इसके अलावा बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट आए, तो अभी कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको मतलब आपका ड्रीम हो ऐसा कोई प्रोजेक्ट करने का? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं है कि जिसका ड्रीम हो, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, सलमान खान की रेस 3 आने वाली है, तो फिल्म का ट्रेलर देखा आपने और क्या कहना चाहेंगे? मैंने फिल्म का ट्रेलर सच में नहीं देखा मैंने नहीं देखा, पर मुझे पता है कि जहाँ खान साहब हो वो चीज़ तो देखिए चलनी है, वो तो पता नहीं कहाँ से उतर के आए, तो कुछ कहना ही नहीं बनता, ये सवाल तो बनता ही नहीं है। तो कितने एक्साइटेड हैं फिल्म देखने के? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पहला शो देख के आने वाली हूँ। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि नए नए और भी प्रोजेक्ट आने वाले, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप इसको, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि दो आइटम नंबर आए, उन्होंने आपको बहुत सराहा आइटम नंबर में, लेकिन फुल फ्लेज्ड रोल, ऐसा कोई ड्रीम रोल हो अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, शेयर नहीं कर सकती बहुत जल्दी, मतलब हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर अंदर फिल्म का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम 15 दिन के अंदर फिल्म का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, ये हो सकता है। बस अपने दिल का, कहा तो कर दिया, नहीं कहा तो भाड़ में जाओ। घाटा हाँ बहुत होता है, पर फिर उसका अफसोस नहीं होता, क्योंकि दिल से की हुई चीज़ का क्या अफसोस करना है, जब फैसला अपना हो तो दूसरे पे नहीं थोपा जा सकता ना, किसी के कहने से किया हो तो अफसोस होगा। बस वो चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत टैलेंट है, अगर आप घूम फिर के देखोगे तो बहुत लोगों को चांसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे मिला है, पता नहीं क्यों मिला है ये भी नहीं पता, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ अनोखा करूँ, जब मुझे कुछ अलग और कुछ अनोखा ऐसी चीज़ दिखेगी कि ये बहुत दिल के करीब है और मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँ। आई एम ह्यूज फैन ऑफ संजय दत्त, बस और किसी के नहीं। हाँ, उसका देखा बहुत मज़ा आया, और मुझे पता है कि उनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने भी, और पब्लिक ने उनको बेसिकली बहुत प्यार दिया है, तो जो पर लेकिन जो रणबीर कपूर ने किया है वो कोई नहीं कर सकता, मतलब उनका लग ही नहीं रहा कि वो रणबीर कपूर है, वो सच में देखने में ऐसे लग रहा है कि संजय दत्त है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं उसके लिए इतनी पागल हूँ, मैं 3-4 दिन लगातार देख सकती हूँ मूवी थिएटर में बैठ के, हर शो देख सकती हूँ। इतनी इंस्पायरिंग लगी उसकी स्टोरी, आप
बिल्कुल बिल्कुल दिया है। हाँ बिल्कुल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़, मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ होती है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ले जाने की कोशिश करती है। हाथ आपका होता है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। अरे ये बताने की ज़रूरत है, बहुत फ़र्क पड़ा है, आप खुद ने देख सकते हैं। क्या आप अगर आपको मौका दिया संजू का हिस्सा बनने का, हाँ, मैं उनकी बीवी का रोल करती। मैं कहना चाहूँगी जिसको मौका मिले पक्का जाना, वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वो लाइफ चेंज कर देता है आपकी, तो जिसको मौका मिले पक्का पक्का जाना, मत छोड़ना बिल्कुल भी। लेकिन आपने पहले कहा था कि अगर बिग बॉस ने आपको बुलाया तो आप नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, और लोगों को तो जाने दो, मुझे नहीं जाना, उनको जाने दो, मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे।